साथियों, अब जब भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया है, पूरी दुनिया प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे समय में हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली समाधान हम पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, जरूरत बस अपनी इस पुरातन परंपरा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के हिसाब से ढालने की जरूरत है। अपने उत्पादकों को और परिष्कृत करने, रिफाइन करने, उसमें समय के हिसाब से जरूरी बदलाव लाने, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की है। और ये तभी संभव है जब परंपरा से चल रहे इन उद्योगों को हम संस्थागत सपोर्ट दें। जब बदलती दुनिया, बदलते समय, बदलती मांग के अनुसार इन उत्पादों में भी जरूरी बदलाव करें, और इसके लिए इन पारंपरिक उद्योगों से जुड़े साथियों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा ये मिले, ये बहुत जरूरी है। बीते 5-5.5 वर्षों से यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। ये सोलार चरखा, ये सोलार लूम, इलेक्ट्रिक चाक, ये सब इसी के उदाहरण है। इतना ही नहीं, आज जिस हस्तकला संकुल में हम सभी बैठे हैं, ये भी सरकार की इसी सोच और अप्रोच का परिणाम है। आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले बनारस का, यूपी का सामान्य बुनकर, सामान्य निर्यातक इस तरह निवेशकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संवाद कर सकता था क्या? कभी उसने सोचा भी था क्या? ये संभव ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मंच ही नहीं था। तब की सरकारों के पास पैसा नहीं था या समझ नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सवाल था कि अप्रोच की समस्या थी। अब देश उस पुरानी अप्रोच से आगे निकल चुका है। देश के हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटर के अलावा भी वाराणसी सहित पूरे देश में अनेक ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जहां सामान्य हस्तशिल्पी, सामान्य कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सके। मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना केंद्र सरकार के व्यापक विजन को भी गति दे रही है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि बीते 2 वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये ग्रोथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं और एमएसएमईस को मिल रही सुविधाओं के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब इसमें अभी जो लॉन्च किया गया ई कॉमर्स पोर्टल भी आने वाले दिनों में बहुत मदद करेगा।